चलिए, तो हमने कल जैसे शुरू किया था साइंस का सीरीज, और साइंस में हमने कल स्टार्ट किया था आहार, मानव आहार। आज हम उस सीरीज को हम चलाएंगे, आगे चलता रहेगा, वो कंप्लीट हो गई। एक और सीरीज हम इसी में शुरू करते हैं, साइंस में ही, मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं मानव प्रजनन। वो कल का सीरीज चलता रहेगा जो कल मैंने साइंस का शुरू किया है। आज एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, मानव ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसे कहते हैं मानव प्रजनन। तो पहली बार समझ लेते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, जनन या रिप्रोडक्शन, जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं असेक्सुअल असेक्सुअल, और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो हम लोगों को चूंकि एग्जाम के हिसाब से चलना है, तो हम लोग पहले आज तो पढ़ेंगे कि सेक्सुअल क्या होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल को होते हैं अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक जनन, इसको अलैंगिक जनन बोलते हैं असेक्सुअल को, और सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक जनन। सेक्सुअल में ही हम लोगों का आता है, यानी कि मानव का जो लैंगिक जनन होता है सेक्सुअल, यानी समझ लेना कि ऐसे जनन प्रक्रिया जिनमें एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है, ऐसी प्रजनन प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन, यानी कि जिनमें दो विपरीत लिंग वालों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। तो मानव ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव प्रजनन क्या है। तो देखो, पहले तो प्रजनन की आवश्यकता क्या है, कक्षा 10 के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मानव प्रजनन की आवश्यकता क्यों, यानी एक पीढ़ी से मतलब एक संतति से एक नई संतति पैदा करना, मतलब एक पुरुष एक महिला द्वारा एक नए संतति को जन्म देना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब प्रजनन में हम लोगों को दो अलग पढ़ना है, दोनों इनमें दो भाग लेते हैं, दो संतति भाग लेते हैं। एक तो होता है पुरुष पुरुष कह लो या फीमेल, और दूसरी जो होती है उसे कहते हैं महिला, जिसे कह लो फीमेल फीमेल। अब हम लोगों को इसमें पुरुष जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसका मतलब हिंदी में कहेंगे पुरुष जननांग। तो कौन कौन से भाग लेते हैं भाई पुरुष जननांग में, तो पुरुष जननांग को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन भाग लेता है। पुरुष जननांग में सबसे जरूरी होता है जिसको कहते हैं टेस्टिस, क्या कहते हैं, टेस्टिस होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं ब्रिसर, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रिसर। ब्रिसर से एक नलिका होती है जिसे कहते हैं वास डिफरेंट, जिसे कहते हैं वास डिफरेंट, हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनी नलिका। वाज डिफरेंट नलिका से पहुंचता है फिर उसको बोलते हैं वाज डिफरेंट के पास बात होती है जो अगला आलम होता है जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी बोलते हैं उसे नलिका, चलो मालूम अभी बनाते हैं तो बताते हैं। ये दो मुख्य होते हैं, ठीक है। तो देखो चित्र बना लेते हैं पहले हम कि क्या होता है। ये मान लेते हैं कि जो पुरुषों में मिलता है ये दो नलिका होती है जिसे कहते हैं हम लोग, इन्हें कहते हैं टेस्टिस, इन्हें क्या कहते हैं टेस्टिस 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 के बाहरी आवरण, बाहरी भाग जो होता है, जो टेस्टिस के बाहरी और एक मांसल भाग होता है यानी मस्कुलर पार्ट होता है टेस्टिस के चारों ओर मिलता है। टेस्टिस ये पुरुषों मिलता है जो उसके चारों ओर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिडिडमिस, इंग्लिश बोलते हैं एपिडिडमिस, एपिडिडमिस बोलते हैं। जो हाइड्रोसील एक बीमारी होती है, जैसा कि जानते हो हाइड्रोसील, हाइड्रोसील में क्या होता है कि यही टेस्टिस क्या होता है बढ़ जाता है। जब ये टेस्टिस बढ़ जाता है, टेस्टिस बढ़ता कैसे है, तो ये जो कभी चोट वोट लग जाती है तो जो एपिडर्मिस होती है ये इस पर फूलने लगता है। एपिडर्मिस जब फूल जाता है बड़ा, उसका मांस यानी मसल्स बढ़ जाता है, तो वही हो जाता है हाइड्रोसिल। याद करो कि जो पाचन तंत्र जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे कि जो हमारी बड़ी आंत होती है
कभी कभी जब बड़ी आंत में अधिक भोजन करने से बड़ी आंत की लंबाई कभी कभी बढ़ जाती है, या फिर किसी और कारण से बड़ी आंत की लंबाई जब बढ़ जाती है तो बड़ी आंत की लंबाई बढ़ने से उसमें की जो मांसपेशियां होती है शरीर के जहां पर नाजुक अंग मिलते हैं वहां पर वो क्या होने लगता है, जाने लगता है। तो हमारे जो स्टमक के नीचे जो भाग होता है ईवे वाला हिस्सा जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है, इसमें वो मांस जाने लगता है, इसलिए कभी कभी इसकी साइज भी बढ़ जाती है। तो देखना जिसका फैट ज्यादा होगा उसका थोड़ा सा ये बड़ा होते हैं, टेस्टिस थोड़ा बढ़ जाते हैं। इसका कारण होता है कि जो नाजुक अंग होते हैं वहां पर ये इनकी मांस जाने लगते हैं, यानी कि मसल वहां पर ग्रो करने लगता है, जिससे कभी कभी इसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है एपिडर्मिस की। तो उसे हाइड्रोसील करते हैं, ऑपरेशन से इसी को ऊपर से एपिडर्मिस को काट करके हटा दिया जाता है, यही होता है हाइड्रोसील का ऑपरेशन। फिर इसमें होता है जिसे हम लोग कहते हैं इसको ब्रिसल कहते हैं, इसको कहते हैं शिश्न, हिंदी में कहते हैं इसको शिश्न बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसे पेनिस। क्या बोलते हैं इसे, पेनिस। तो इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में बता रहे, हिंदी में याद करके कोई फायदा नहीं, एग्जाम में जब भी लिख के आएगा तो इंग्लिश में लिख के आएगा पेनिस। तो पेनिस होता है, तो याद रखना ये कि टेस्टिस से जो टेस्टिस होता है इससे हार्मोनिक स्त्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक बनता है, और जब टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है ये बालकों में बनना शुरू होता है, 12-13 वर्ष की उम्र में बनना शुरू होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये 10 से 12 वर्ष की उम्र में बनना स्टार्ट होता है एक बालक में। जब ये बनना स्टार्ट होता है तो इसी उम्र को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। हिंदी में एडोलसेंस को कहते हैं किशोर। यानी कि जब टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का स्रावण शुरू होता है ये 10 से 12 वर्ष की उम्र में शुरू होता है तो हम लोग उस वक्त बालक को कहते हैं एडोलसेंस। और जब इसकी शुरुआत होती है तो बालक में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने शुरू होते हैं, जैसे दाढ़ी उड़ी का विकास होने लगता है, दाढ़ी बड़े होने लगते हैं, मोछ बड़े होने लगते हैं, उनके मांसपेशियां शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें नसें बाहर आने लगती हैं, सब मसल्स मजबूत होने लगते हैं। तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक लक्षण। ये जो टेस्टिस मिलता है इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक लक्षण। याद रखना कि मानव का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी प्रजनन जो अंग है उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, याद रखना, ये नहीं कि पेनिस को याद कर ले, पेनिस नहीं, ये तो बस एक प्रकार का वाहक है, ये बस एक प्रकार का वाहक है, लेकिन ये मुख्य प्रजनन अंग नहीं है। ठीक है, मुख्य प्रजनन अंग कौन होता है, टेस्टिस होता है, क्योंकि इससे किसका निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा गलती की है, ये जो होता है इसे कहते हैं यूरेथ्रा, इस नलिका को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब जैसे यूरिन बोलते हैं ना पेशाब को, मूत्र को बोलते हैं मूत्र बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूरिन, क्योंकि यूरिन को ले जाने का कार्य करता है ये वाला जो अंदर की नलिका होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस नलिका को यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो आगे का हिस्सा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पेनिस कहते हैं, आगे वाला हिस्सा वो कहते हैं पेनिस। ये अंगों का थोड़ा सा नाम याद रखना कि टेस्टिस, जो टेस्टिस है टेस्टिस से क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन। और एक चीज और याद रखना, इसी से किसका निर्माण होता है, स्पर्म का भी निर्माण होता है, स्पर्म मतलब शुक्राणु, शुक्राणु का भी निर्माण होता है, स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। यानी टेस्टिस से ही किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, जो कि प्रजनन में क्या करता है, भाग लेता है, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है स्पर्म। और स्पर्म का निर्माण एक पुरुष के अंतर्गत निर्माण होता है, और ये चीज और याद रखना, इसको मैं मिटाना हूं, जो हमारी किडनी होती है शरीर के अंदर, जो हमारी किडनी होती है ये किडनी, और किडनी से जो एक आता है जिसे कहते हैं ब्लेडर। क्या बोलते हैं इसे, ब्लेडर, जहां पर पेशाब एकत्रित किया जाता है, मूत्र को एकत्रित किया जाता है, ब्लड में से छान करके ब्लड को शुद्ध करने के बाद जो उसमें वाटर जो निकलता है, जो अशुद्धियां होती है वो आकर के कहाँ जमा होती है, ये दोनों मान लेते हैं किडनी है, किडनी आता है ना, ये किडनी होता है, किडनी से समझ लेना कि
शुद्ध होने के बाद पानी जो होता है वो कहाँ आता है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में आने के बाद जो पानी होता है वो भी कहाँ चला जाता है, वो भी चला जाता है इसी जो मैंने बताया यूरेथ्रा में, यानी ब्लेडर से जो मूत्र होता है वो कहाँ आता है, यूरेथ्रा में। तो इसका मतलब ये जो यूरेथ्रा नली है इसकी दो काम है, एक तो स्पर्म को ले जाना और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम इसका है मूत्र को बाहर निकालना। तो यहाँ पे इसको दो काम मिल गए इसका मतलब हो गया, तो इनमें थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, इसलिए नेचर ने यहाँ पर एक ग्रंथि बना दी है जिस ग्रंथि का नाम क्या होता है, प्रोस्टेंट ग्रंथि। क्या नाम होता है, प्रोस्टेंट ग्रंथि कहते हैं, प्रोटेस्टेंट ग्रंथि कहते हैं या प्रोस्टेंट ग्रंथि कहते हैं। जब तो वो क्या करता है, वो टाइम टाइम से जब स्पर्म आने वाला होता है तब फिर क्या करता है, इसको रोक देता है, जब ये आने वाला होता है तो इसको क्या करता है, रोक देता है। एक बीमारी और चलती है जिसे कहते हैं, एक बीमारी और होती है जिस बीमारी का नाम होता है धातु रोग, जिसे कहते हैं धातु रोग। धातु रोग में क्या होता है कि जब एक मेल और जो मेल होता है एक महिला के साथ जब लैंगिक क्रिया करता है तब उसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सोया रहता है तो रात को अपने आप इसके जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म का निर्माण करने लगते हैं, जिनसे अपने आप यहाँ से इस माध्यम से यानी कि जो यूरेथ्रा के माध्यम से अपने आप स्पर्म का सेक्रेशन हो जाता है, जिसे कहते हैं धातु रोग। तो याद रखना कि प्रोटेस्टेंट ग्रंथि में गड़बड़ी होने की वजह से ऐसी बीमारी होती है धातु रोग, ठीक है, ये याद रखना। पर ये किसी को बीमारी अगर हो जाती है, मतलब महीने में अगर तीन बार चार बार होता है तो समस्या नहीं है, यही नहीं कि चले जाए डॉक्टर को दिखाने के लिए, तीन बार चार बार महीने में होता है ये धातु रोग, ये चलता रहेगा, इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। और बाकी हमारे भारत में इस रोग के लिए बहुत से डॉक्टर हैं, डॉक्टर हकीम, डॉक्टर इमरान लिखे रहते हैं, गुप्त रोगी मिले आकर, तो ऐसे अगर जाते हो बीमार हो कोई व्यक्ति जिनको ये समस्या हो तो डॉक्टर हकीम से मिले, हर जगह लिखा रहता है गुप्त रोग विशेषज्ञ, तो ऐसे लोगों से मिला करो ना, ऐसे लोगों को जाकर अपना दिखाओ, जाकर धातु रोग जैसी बीमारी को दूर किया जा सके। और एक चीज याद रखना कि एक शब्द जो तुमने सुना होगा वास्कोटोमी। इस वास्कोटोमी में क्या किया जाता है, तो जो मैंने कहा कि अभी ये जो दो नलिका है जो स्पर्म को लेकर जाने के कार्य करते हैं, इन नलिकाओं को कहा जाता है, मैंने बताया था वास डिफरेंट, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंट नलिका बोलते हैं, या शुक्रवाहिनी बोलते हैं नलिका, वास डिफरेंट नलिका बोलते हैं। तो जब भी किसी पुरुष का नसबंदी किया जाता है, नसबंदी का मतलब होता है कि इसी नलिका को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, इस नलिका को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तुमने देखा होगा कभी गांव में किसी बकरे का या किसी कुत्ते को नसबंदी करवाए हुए, तो जब डॉक्टर के पास जाते तो उनका देखा होगा तो बस इन्हीं दोनों नलिकाओं को क्या करते हैं, काट दिया जाता है। जब इन नलिकाओं को काट दिया जाता है तो इसका मतलब इनके अंदर टेस्टिस में जो भी स्पर्म का निर्माण होगा, जो भी शुक्राणु का निर्माण होगा, वह उसके किसी फीमेल के अंदर उसे इंजेक्ट वो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना क्या वो लैंगिक क्रिया नहीं कर पाएगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर के टेस्टिस सही है, जब टेस्टिस गड़बड़ रहेगा तो वो लैंगिक क्रिया नहीं कर पाएगा, जब तक टेस्टिस सही है तब तक वो लैंगिक क्रिया करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर हमारा लैंगिक क्रिया किया ऐसे समय में अगर नलिका कटी है तो स्पर्म का उत्सर्जन होगा लेकिन वो उस नलिका तक पहुंच नहीं पाएगा। फिर उसके उसमें और कुछ बातें हैं, वास्कोटोमी को हिंदी में कहते हैं नसबंदी, हिंदी में क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं। तो महिलाओं में नसबंदी यानी महिलाओं में जो ये कार्य होता है उसे कहते हैं नलबंदी, और पुरुषों में जो होती है उसे कहते हैं हिंदी में नसबंदी, उसको ट्यूबोटोमी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वास्कोटोमी। तो इसमें याद रखना कि सरकार अगर किसी पुरुष का नसबंदी करता है तो ज्यादा पैसा मिलता है, जैसे मान लो गांव में जब किसी महिला का ट्यूबेक्टोमी होता है तो 2000 रुपये मिलता है, मुझे लगता है यही मिलता होगा 2000 के आसपास या 1500 के आसपास कुछ मिलता है। लेकिन अगर किसी पुरुष का नसबंदी कराए तो सरकार 3000 रुपये देती है, 3000 रुपये। इसका मतलब हुआ कि सरकार किसको बढ़ावा देना चाहती है, पुरुष को, पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन हमारे देश में चूंकि पुरुष प्रधान देश है तो कोई पुरुष करवाता नहीं है अपना, क्योंकि उनको अपनी ज्यादा फिक्र होती है, अपने तकलीफ का ज्यादा फिक्र होता है, इसलिए पुरुष अपना नहीं करवाते। नहीं तो महिलाओं में तो थोड़ा ज्यादा तकलीफ होता है ये वास्कोटोमी कराने में, लेकिन पुरुषों में यह
मतलब महिलाओं में अगर प्यूबर्टी में होगा तो ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा दर्द होगा, लेकिन पुरुषों में यह कम समय में और कम दर्द के साथ और पैसा भी ज्यादा मिलेगी। सरकार इसको बढ़ावा देना चाहती है, किसे? वास्को टोमी को, यानी पुरुष नसबंदी को। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आई। एक चीज और याद रखना कि ये जो टेस्टिस है नेचर ने इसे शरीर से बाहर क्यों बनाया है, तो याद रखना कि जो स्पर्म का निर्माण होता है वो स्पर्म जीवित तभी, स्पर्म जो होता है, स्पर्म मतलब शुक्राणु भाई, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होती है। ये कितने समय तक जीवित रह सकता है, तो 20 मिनट तक। 20 क्या मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 15 से 25 मिनट के बीच तक ये जीवित रह सकता है स्पर्म। और एक बार जब लैंगिक क्रिया करता है मानव, तो उसके अंदर जो निर्माण होता है लैंगिक क्रिया के दौरान 7 से लेकर 9 मिलीलीटर तक, ml तक इसका निर्माण होता है, मिलीलीटर, 7 से 9 मिलीलीटर के आसपास निर्माण होता है इसका। और ये 15 से 25 मिनट के बीच में जो जीवित रहता है, ये तभी जीवित रह सकता है जब शरीर का तापमान कितना हो, 30 डिग्री सेल्सियस। ये स्पर्म 30 डिग्री सेल्सियस पे जी सकता है, और जबकि जानते हैं कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे अगर शरीर के अंदर इसका निर्माण होता, हमारे शरीर के अंदर तो शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तब तो ये बेचारा मर जाता, मरा हुआ स्पर्म किसी काम का नहीं होता, तब तो फिर कभी बच्चा ही नहीं पैदा होता। इसलिए नेचर ने इसको क्या कर दिया है, टेस्टिस को शरीर से बाहर बना दिया है, ताकि स्पर्म क्या रहे, जीवित रहे। तो कितने समय तक जीवित रहता है, 15 से 25 मिनट के बीच में लगभग इतना रहता है। और कितने ml तक होता है एक बार लैंगिक क्रिया के दौरान, कितने स्पर्म बनते हैं, 7 से 9 ml। और उसमें अगर लाख की बात की जाए तो कितने स्पर्म जीवित रहते हैं इसमें, करीब कितने होते हैं, तो करीब 20 से 25 लाख के बीच में स्पर्म होते हैं। होते इतने हैं, लेकिन जरूरत बस एक की होती है। ठीक है, तो इसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनमें अगर अभी भी कोई बातें ना समझ में आई होगी तो फिर कमेंट करना इसको, फिर मैं इसको समझाऊंगा। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ठीक है, चलिए।